सहरसा में कोविड-19 वैक्सीन लगाने की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी कौशल कुमार ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि जिले में प्रथम चरण में 16 जनवरी से लोगों को कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा और 15 जगहों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 6 जगहों पर प्रथम चरण में सदर अस्पताल सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर, सलखुआ, सोनवर्षा, राज महिषी और नारायण मेडिकल अस्पताल में लोगों को कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा। इन सभी जगहों पर प्रतिदिन 100 लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। 16 जनवरी से जो 15 सेशन साइट चिन्हित किए गए हैं, उसमें से 6 सेशन साइट पर वैक्सीनेशन की कार्य शुरू होगा, जिसमें सोनवर्षा, सिमरी, महिषी, सलखुआ, सदर अस्पताल और नारायणा मेडिकल कॉलेज में वैक्सीनेशन की जाएगी। जो कोविन एप्लीकेशन पे हम लोग का जो हेल्थ केयर वर्कर्स का डेटाबेस है, करीब 8,609 लोगों का है और प्रत्येक सेशन साइट पर प्रतिदिन 100 लोगों को वैक्सीनेट कराया जाएगा। यह सिर्फ एक प्रथम डोज रहेगा, यह कंप्लीट डोज नहीं है। जो निर्देश का आई है उसके अनुसार फर्स्ट डोज लेने के 28 दिनों के बाद लोगों को दूसरा डोज भी लेना पड़ेगा और दूसरा डोज लेने के 14 दिनों के बाद बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होता है। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि जो भी वैक्सीनेशन ले रहे हैं, फर्स्ट डोज 16 तारीख को शुरू होगा, वो कोविड से संबंधित जो निर्देश है, जैसे मास्क पहनना, भीड़ भाड़ में न जाना, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना, उसको छोड़े नहीं, उसको कंटिन्यू रखें। फर्स्ट डोज के 45 डेज के बाद ही एंटीबॉडी बॉडी में डेवलप हो, तो इसका ध्यान रखा जाए। और बाकी हम लोग ये सारी तैयारियां हैं, सेशन साइट्स जो शुरू होंगे 16 तारीख को, उस सभी का वेबकास्टिंग कराया जाएगा और जितने भी कर्मी इन्वॉल्व है सभी का अच्छे से ट्रेनिंग दे दिया गया है, ताकि वैक्सीनेशन के संबंध में किसी तरह कोई इशू नहीं हो। इनकेस कोई इस तरह का इशू आता है तो उसके लिए टीम बनी हुई है, डॉक्टर्स की टीम, उसको मैनेजमेंट के लिए। तो हमारे तरफ से, जिले की तरफ से पूरी तैयारी है कोविड वैक्सीनेशन का, जो 16 तारीख से शुरू होगा, और हम समझते हैं कि आप लोग का सहयोग रहेगा, उसके माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार इसका होगा वैक्सीनेशन के संबंध में। और मेरा लोगों से ये अनुरोध है कि किसी भी आवास पे ध्यान देने से पहले हेल्थ संबंधित जो PHC से जो प्रभारी रहेंगे उनसे एक बार जाके हम लोग वेरीफाई कर ले, तभी इस पे माने, क्योंकि ये बहुत ही सेफ वैक्सीन है और ये टेस्टेड वैक्सीन है। खीरिया घाट चौतरिया टोला में दो पक्षों में हिंसक झड़प में गोलू यादव, गिन किशोर यादव और विनोद यादव पर जानलेवा हमला किया गया। एक सरकारी मास्टर के द्वारा, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करते हैं, जिनका नाम संतोष भगत पुत्र भुवाली भगत, जो बार बार किसी के भी घर पर जाकर मारपीट करना उनके लिए आसान हो गया है। इसी प्रकार गोलू यादव को भी टारगेट बनाकर उनके पिता गिन किशोर यादव और चाचा विनोद यादव को अपने भाई के साथ और पड़ोसी धर्म किशोर गुप्ता, पन्नालाल गुप्ता, सोनालाल गुप्ता, सौरभ गुप्ता, अनिकेत कुमार, आकाश कुमार, बिट्टू कुमार, बसंत कुमार, पिता भुवाली भगत, सुशील कुमार, तरुण कुमार, इन सब लोग मिलकर चौतरिया टोला निवासी गोलू यादव के घर पर जानलेवा हमला किया और उसके बाद उन सब पर तलवार से जानलेवा हमला करके जान से मारने की कोशिश की गई। ड्यूटी का समय होता है 9 बजे रहे, तो हम ड्यूटी निकलत रहनी तो देखनी रास्ता में हल्ला गुला होत रहे, तो हम गए नहीं तो देखनी कि गिनी किशोर यादव के मार के उनका के लोग गिरा दे ले बा, हम लगनी उनका के उठावे तो देखने कि हमरा के संतोष पकड़ संतोष भगत पटक पकड़ ले, सोनेलाल पकड़ ले लें, सुमित को सारे तत्व हम मोबाइल चलाए थे, ठीक है, मोबाइल चलाने के बाद हल्ला उर्दू सुनाई दिया, हम हल्ला उर्दू सुनाई दिया तो अब गए देखने के लिए सूरज प्रसाद के दुकान पर, हम गए तो अपने में आपस में कोई मारपीट कर रहा था, जो धर्मसूर गुप्ता हमको देखा, बोला ये भी गांव का, इसको भी मारो, ठीक है। इसके बाद हमको महेश सुनालाल गुप्ता, पन्नालाल गुप्ता, धर्मकिशोर गुप्ता, सौरभ गुप्ता, अंकित कुमार, हमको हाईसुख यहाँ जख्मी कर दिया, नाक में ब्लड गिर गया हमको। हमने आया शाम को तो हमारा लड़का बोला कि हमको मारा है, पूछे कौन मारा है, तो फलाना जगह पन्नालाल, धर्म किशोर, सोनेलाल, सौरभ कुमार, तो कहें ठीक है कल सुबह पूछेंगे। हम कल सवेर गए उनके द्वार पर पूछने के लिए, धर्म किशोर भैया कहाँ है। गोनाहा प्रखंड के मंजरिया गांव में सेवानिवृत्त प्राचार्य कृष्ण कुमार पाठक और उनके बड़े भाई ब्रजेंद्र पाठक ने संयुक्त रूप से पौधारोपण किया। पाठक ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पौधा निश्चित ही लगाना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पौधा लगाने से पर्यावरण अच्छा रहता है और प्रकृति संतुलित रहती है। ब्रजेंद्र पाठक ने बताया कि पेड़ पौधों से हमें स्वच्छ वायु, फल, छाया इत्यादि मिलती है।
सहरसा में स्वामी विवेकानंद के जयंती अवसर पर बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा युवा संदेश रथ रवाना किया गया। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक आलोक रंजन ने युवा संदेश रथ को रवाना किया। देखिए, आज स्वामी विवेकानंद जी का जयंती है और इस जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा युवा संदेश रथ आज हम लोग सब जगह रवाना कर रहे हैं और युवाओं के बीच एक संदेश देने के लिए हम लोग जा रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे और उनका मानना था कि युवा ही देश की शक्ति है और भारत सबसे युवा देश है जहां युवाओं की आबादी 70% है। तो आज इस युवा संदेश रथ के माध्यम से हम लोग यह संदेश देने जा रहे हैं, सब जगह जो है युवाओं को अपने देश को आत्मनिर्भर भारत करना है और अपने राज्य को आत्मनिर्भर तैयार करना है। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष पूर्णचंद्र को पाड़ी और बस्तर जिला प्रभारी दुर्गेश राय, प्रदेश महासचिव सुशील मौर्य के निर्देशानुसार युवा कांग्रेस अध्यक्ष जीशान कुरेशी के नेतृत्व में किसान विरोधी नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार के द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन और छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा धान खरीदी और बारदाना उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर केंद्र की भाजपा मोदी सरकार के खिलाफ जिला युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ की भाजपा किसान काला कानून को लेकर किसान सहित आम जनता को भी गुमराह कर रही है। पिछले 2 महीनों से पूरे देश में किसान काला कानून बिल को लेकर केंद्र मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर हल्ला बोल आंदोलन कर रही है। सांसद सतीश गौतम और विधायक खैर अनूप प्रधान के सबलपुर आगमन पर मास्टर नानक चंद शर्मा, वरिष्ठ भाजपा सदस्य कैलाश चंद शर्मा, राजकुमार शर्मा ने चांदी का मुकुट और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। इसी क्रम में सांसद ने पथवारी माता मंदिर पर कराए गए इंटरलॉकिंग कार्य का शिलान्यास किया। ग्राम प्रधान सबलपुर अजय कुमार शर्मा ने सांसद और विधायक को स्मृति चिन्ह भेंट किया और माल्यार्पण किया। अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य महासभा का प्रथम प्रांतीय कार्य समिति बैठक उतरोला में किया गया, जिसमें प्रांतीय अध्यक्ष राजेश गुप्ता भगवती परिवार कानपुर के नेतृत्व में उतरोला के स्थानीय कमलापुरी धर्मशाला में बैठक संपन्न हुई, जिसमें मां सरस्वती का हवन पूजन ईश्वर वंदना के साथ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। स्वच्छता ग्राही के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार त्रिपाठी की अगुवाई में तमाम स्वच्छता ग्राही ने जिला सभागार में धरना प्रदर्शन किया। स्वच्छता ग्राही का कहना है कि 3 सालों से अपने अपने स्वामित्र ग्राम पंचायतों में तैनात हैं, मगर उन्हें 3 सालों में कोई मानदेय या प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है।